गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनएफ ब्लॉक क्लास 12th का। तो इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये डी एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। तो सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक जो होते हैं लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो उनके बीच की प्रॉपर्टी जो किस में आती है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये एलिमेंट जो है, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनमें कौन सी शेल होती है, 3D, 4D, 5D, 6D सब शेल होती है, जो इनकम्प्लीट होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है N-1 डी ऑर्बिटल में, जिसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, लास्ट शेल। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल है वो क्या है, N-1 D 1 to 10, N 0 to 2। एन क्या है यहाँ पे, आउटरमोस्ट शेल। अब क्लासिफिकेशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो क्या है, एस और पी ब्लॉक की तरह जो हमने पढ़ा पहले, इसमें भी कॉलम और पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल सीरीज में होते हैं। तो फोर ट्रांजिशन सीरीज होती हैं इसमें, 3D, 4D, 5D, 6D। और पीरियड होते हैं कौन कौन से, 4th, 5th, 6th, 7th। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज जो होती है वो, उसमें 3D सब लेवल जिसमें क्या होता है, 10 एलिमेंट्स होते हैं, जो स्कैंडियम से लेकर क्यों कहाँ तक होता है, जिंक तक होते हैं, मतलब 21 से लेकर 30 तक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D होती है वहाँ पे वाई से लेकर, यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक होता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसमें कहाँ से होता है, लैंथियम से लेकर मर्करी तक होता है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो 6D होती है उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, 89 से लेकर 104 तक। अब इसमें कुछ एलिमेंट सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉपर, टाइटेनियम होता है, आयरन होता है, ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमें पता है कि कैसे पढ़ते हैं, हमने पॉली और रूल पढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन जैसे ये है, उसकी 18 आती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आती है। पोटेशियम में जो है वो 19 है, तो उसका 9th इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करेगा। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मगर उसमें पोटेशियम में 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट जब हम कहाँ पहुँचते हैं, इसमें 21 में पहुँचते हैं स्कैंडियम में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डी में ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर करता है। तो जिंक की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। फॉर जिंक तक कहाँ होगी, 3d10, 4s2। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसकी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसकी, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मर्करी को छोड़ के जो लिक्विड है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे क्या है, मेटालिक नेचर, मेटालिक इनका क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसमें टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब मेटल की तरह एक्ट करते हैं, ये कंडक्टिविटी दिखाते हैं, मेलेबिलिटी दिखाते हैं, डक्टिलिटी दिखाते हैं, लस्टर दिखाते हैं, हाई टेंसाइल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। एटॉमिक एरिया जो है वो बीच में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में, मतलब एस का बड़ा होता है फिर छोटा छोटा होता हुआ आगे जाता है, तो इनका साइज तो छोटा होता है किसे, एस ब्लॉक एलिमेंट से, मगर पी से बड़ा होता है। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो ये डिपेंड करती है इनकी बॉन्ड पे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की पी ब्लॉक एलिमेंट से। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, अलग अलग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ये। तो स्टेबिलिटी जो एनी ऑक्सीजन स्टेट और टेंडेंसी फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो उस पर, वो उसको बताती है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद है अ नंबर ऑफ दिस ट्रांजिशनल मेटल एंड द कंपाउंड शो कैटलिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब रिएक्शन को करवाते हैं। जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट हैं मोस्टली वो कलर्ड कंपाउंड हैं, पैरामैग्नेटिक हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, मतलब बीच में कंपाउंड के बीच में अपने आप को रख लेते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और अलॉय भी बनाते हैं, दो तीन एलिमेंट्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। अब इसमें जिंक, कैडमियम, मर्करी जो है इसका थोड़ा एक्सेप्शन हैं, वो क्या है, इसका हाई, इनका क्या होता है, इन सबसे डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़े अलग हैं। इट हैज़ मच हायर एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी, इनकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है औरों से और आयनाइजेशन एन्थैल्पी भी ज़्यादा है। इनके कंपाउंड जो वाइट होते हैं औरों के कलर्ड होते हैं, ये अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते जैसे और दिखाते हैं। इसमें जो है जिंक जो है डायमैग्नेटिक है, मगर और सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं।
ये इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाते जितने और सारे कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये इनर्ट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं शेल में तो क्या होता है, वो इनर्ट इनर्ट एलिमेंट बन जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए ये तीन एलिमेंट क्या है, अलग है और एलिमेंट से।